हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी सो के उठे हैं, अभी जा रहे हैं थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश होके आते हैं, फिर आज ऑफिस भी जाना है। तो गाइस अभी हो चुके हैं रेडी, एकदम फिट कंप्लीट। ये देखिए अपना बैग रेडी है। तो गाइस चलते हैं ऑफिस, नीचे माता जी उनसे भी मिलते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं माता जी के पास, ऑफिस जा रहे थे। माता जी का चरण स्पर्श कर लिया जाए, प्रसाद है। और शायद माता जी कल इधर से जाने वाली हैं गाँव। अभी इनका टिकट का भी कंफर्मेशन नहीं आया, तत्काल में बनने के लिए गया है। शायद अभी आज बन जाए, हो सकता है, नहीं तो फिर 3 तारीख का कंफर्म है, जाएंगे ही जाएंगे। ओके, टिकट बनने के लिए आपका क्या होगा? तो गाइस सब चला जाए ऑफिस, ऑफिस चल रहे हैं। माता जी से वार्तालाप हो गया, प्राइवेट बात है। इनको घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा टेंशन में। कह रहे कि मुझे अभी पहुंचा दे, उड़ा के पहुंचा दे। बाल बच्चा नहीं चाहिए, गांव चाहिए। बाल बच्चा सब कुछ रहेगा, माता का आशीर्वाद है। ठीक है भाई, माँ का आशीर्वाद है सारे बच्चे कुछ। हाँ, वहाँ जाके का करवा, बाबा के दिन दर्शन कर सब जल चढ़ पूजा करपति व्रत करिये, बेलपत्र फूल चढ़ माए बैठल झक मारे। अच्छा चलिए ठीक है गाइस, ओके चला जाए ऑफिस के लिए। तो गाइस अभी निकल चुके हैं ऑफिस से और थोड़ा जाना है गांधीनगर। आज जल्दी निकल गए हैं, कुछ भी कई जगह जाना था, तो अभी चल रहे हैं थोड़ा गांधीनगर। गांधीनगर एक फ्रेंड से, मित्र से मिलना है, फिर उनसे मिलने के बाद देखते हैं कहीं ले चलते हैं आप लोगों को, घुमाते हैं आज, क्योंकि अपनी छुट्टी होती है मंडे को। संडे को छुट्टी होती नहीं है, संडे को वर्किंग डे है अपना, मंडे को छुट्टी होती है। तो अभी चलते हैं गांधीनगर, गांधीनगर से होके फिर देखते हैं कहीं का टाइम मिलेगा तो आप लोगों को सरोजिनी नगर मार्केट लेके चलते हैं। आज इधर से गुजर रहे थे, रास्ते में मोड़ मिल गया गाइस, ये देखिए रोड छुपने पड़ी है। तो गाइस इधर से गुजर रहे थे, अभी थोड़ी सी लग गई है भूख, और अभी इस रास्ते में है नागपाल दी हट्टी। यहाँ का छोला भटूरा बहुत ही मशहूर है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलते हैं आज जरा इधर का छोला भटूरा खा के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। ये है गांधीनगर के रास्ते में, गांधीनगर के रास्ते में पड़ता है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग देख सकते हैं नागपाल दी हट्टी, ये छोले भटूरे की दुकान है, बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया है। आप लोग को इधर का रेट लिस्ट भी दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर बनता है। बैठने का है, बैठ सकते हैं। आ चुका है छोला भटूरा, और बहुत ही इधर का छोला भटूरा फेमस है और बहुत ही मशहूर है। इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं लगे, इसलिए हम और पूरा आपको दिखा नहीं सकते। बहुत ही अच्छा बैठने का भी इधर है, ज़्यादा जा सकता है, और भी लोग इधर बैठ के खा रहे हैं, क्या पता किसी को बुरा लग जाए, वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। तो गाइस देख सकते हैं इधर आ चुका है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी बनता है इधर का, जो भी 2-4 आइटम होंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बाकी देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मस्त। तो गाइस फिनिश हो चुका है, तो गाइस चला जाए, बहुत ही मस्त, एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास बना है। वो लोगों को बात कराते हैं इधर के ऑनर से।
ये भी है भाई, ये देख सकते हैं इधर खड़ा हुआ रहता है, इधर आदमी सब लगे हुए रहते हैं और एकदम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी इधर का छोला भटूरा भी और भी जो भी चीज़ है कल तो छोला भटूरा खाया नहीं तो एकदम बिल्कुल मस्त है। धन्यवाद, बहुत ही टेस्टी था आपका छोला भटूरा। धन्यवाद, आप एक बार अपने मुँह से इधर का एड्रेस बता दें। शायद नहीं है, दुकान नंबर 131 बुद्ध बाजार वीर सावरकर मार्केट दिल्ली 31 गीता कॉलोनी में है और सामने महिला अपोजिट महिला कॉलोनी। तो गाइस जैसा कि आपको दिखाया इधर के ऑनर से भी बात करा है आपको, इधर एकदम मस्त वाला है और जैसा कि एड्रेस भी बता दिया इन्होंने नियर महिला कॉलोनी है, एकदम मस्त वाला है, बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस अभी निकल चुके हैं हम गांधीनगर से, अब चलते हैं घर के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, घर कुछ काम था, काम में काफ़ी लेट हो चुका है। तो गाइस अब चल रहे हैं घर। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं अक्षरधाम से, आप लोगों को दिखाएं अक्षरधाम मंदिर। ओ माय गॉड, क्या खूबसूरत नज़ारा है इस अक्षरधाम मंदिर का, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतर। तो गाइस फाइनली अब आ चुके हैं घर। माय गॉड, ये आ चुकी हैं रीशु, ये अब लगाएंगे ताला बाइक में, बाइक चोरी हो जाता है अगर ताला नहीं लगाएंगे तो बाइक उठा के ले जाता है, तो इसलिए देखिए ये मोटे मोटे सिक्का, तो अभी सिक्कर में ताला लगाया जाएगा। ओके गाइस, लो जी ये माता जी भी आ गई उधर से। ये देखिए गाइस उल्की मार रहा ऊपर से, ओह माय गॉड। घर जा चुके हैं और माता जी का टिकट 3 तारीख वाला कैंसिल होके अब आज सुबह का हो गया है और माता जी अभी इधर से सुबह निकले और इनका शाम को 3 बजे में है ट्रेन, तो सुबह जा रहे हैं। तो माता जी आज आखिरी दिन है आपका दिल्ली में, तो आप कुछ कहना चाहेंगे गाइस के लिए कि आपको मतलब इधर क्या कहूँ, मैं आके यहाँ 2 महीने रह चुकी हूँ, कल मैं जा रही हूँ, मेरा बाल बच्चा सब फुलवारी आबाद रहे, मैं शरीर से जा रही हूँ, मेरा आत्मा सारे बच्चे के पास रहेंगे, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि सारे बच्चे खुश रहेंगे। अमृत के धार कोई कितनो पिलाए, एगो माई बिना कैसे कले जवाजू राई माई, एगो माई बिना। दुनिया में कितना भी करो, तू पैसा खर्च कर लो, हर कुछ खरीद सकता है लेकिन माँ का दूध नहीं खरीद सकते। क्या हाल है आपका डुगु सेठ? आपका पैर का दर्द आराम है? हाँ। तो जैसा कि देख रहे हैं इनके पैर में जख्म हो गया था, तो अब इनको ठीक है। आपका क्या हाल है? मेरा मस्त, बढ़िया, चंगा। तो गाइस अब घर पहुंच गए हैं, थोड़ा थके हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, फिर भोजन छाजन होगा, कपड़ा वपड़ा भी चेंज करना है। तो गाइस खाना पीना हो गया है और काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब सोना चाहिए, फिर सुबह उठना है, बहुत सारा काम है कल। तो गाइस फिर अब कल मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।